वेलकम टू द चैनल जय जगन्नाथ। सो मैं, खतीब भाई और स्मित, हम तीनों का बड़ा मन था आज राइड करने के लिए। हालांकि हम लोग सुबह संडे को राइड करते हैं, लेकिन जिस तरह से धूप हो रहा है, मतलब बाइक चलने का मन नहीं कर रहा है। इतना धूप, मतलब भयंकर धूप है। अभी भुवनेश्वर में अराउंड हो गया सुबह, नहीं वो तो लकीली आज बारिश हो गया, वो मौसम अच्छा है। लेकिन नॉर्मली अभी लास्ट 6-7 दिन से काफ़ी गर्मी है भुवनेश्वर में, और मेरे हिसाब से इतने गर्मी में राइड करने का मन नहीं हो रहा था। मज़ा ही नहीं है। पसीने से पूरा लथपथ हो जाएंगे, और शॉर्ट राइड करके कुछ फ़ायदा नहीं था। लेकिन काफ़ी दिनों से हम लोग कहीं पर राइड नहीं किए थे। तो खतीब भाई स्पेशली, आप तो मतलब 2-2.5 महीना हो गया है, और वो तो कंटिन्यू करता है। लेकिन जैसे जो ग्रुप राइड हमारा होता है उसमें लेट हो भाई, बाकी हम लोग प्लान किए कि कहीं पे राइड करेंगे, और हमारा ये प्लान था, हालांकि सुबह बारिश हो गई थी, लेकिन फिर भी हम लोग का प्लान था कि हम लोग शाम को ही राइड करेंगे। थोड़ा मतलब सूरज दत्ता थोड़ा कम प्रभाव उनका रहे, तभी हम लोग राइड करेंगे। तो अभी हम फिलहाल प्लान किए हैं कि कल तक, एक्चुअली अभी तक कुछ प्लान नहीं बना था, जस्ट पहले हम लोग थोड़ा प्लान बनाए हैं कि चंडीगढ़ की तरफ चलेंगे। चंडीगढ़ में एक ढाबा है, पेट्रोल पंप के जस्ट पीछे एक ढाबा है, चंडीगढ़ जस्ट पहले आता है, चंडीगढ़ बोल दिया क्या, सॉरी चंडीखोल, माफ करना गलती से कभी कभी इधर उधर निकल जाता। सो चंडीखोल में, चंडीखोल से जस्ट पहले एक पेट्रोल पंप होता है, हम लोग पहले एक बार भी गए हैं वहाँ पे, दो तीन बार गए हैं। तो वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा चाय वाय पियेंगे और राइड का थोड़ा आनंद लेंगे, काफ़ी दिन हो गया। सो खतीब भाई लेके आए अपना हायाबुसा, थोड़ा देर में दिखाऊँगा, और BMW लेके आया है अपना GS 1250, मैं था मेरा, तो मैं डुकाटी लेके आया हूँ, और मौसम एक्चुअली बहुत सुहाना है, मज़ा आ जाएगा, चलते हैं। चलो, सो स्मित लेके आए अपना GS 1250 R, और खतीब भाई आज उजल अपना हायाबुसा, मैं अपना डुकाट लेके आया हूँ। चाय दोपहर का टाइम बंद रहता है, तो बंद है, इसलिए यहाँ पे आपको कोई भी क्राउड नहीं दिख रहा होगा। और बाकी सुमन चिचिन ये लोग सब बिजी थे, तो मैं और क्या बोलूँ, उनको बहुत बोला चलो चलो चलो, लेकिन वो लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, तो हम लोग और अपने आप को रोक नहीं पाए। अभी हम लोग निकल रहे हैं, अबे चल बंद करो उसको, चलो चलो चलो, ओके चले, बढ़िया दे, जैकेट मस्त दिख रहा है, वो आप स्टिच करवाए ना, ये आप स्टिच करवाए ना, अरे जबरदस्त लग रहा है। तो एक खुशखबरी है कि जो पेट्रोल का प्राइस है वो करीबन 9-9.5 रुपए कम हो गया है। खुशखबरी है क्योंकि काफ़ी रेट बढ़ गया था, 110, अभी भी मतलब कम नहीं है, अभी भी 102 रुपए के आसपास होगा, और 80 रुपए था भाई, 40 रुपया ये लोग बढ़ा दिए, एंड अभी 10 रुपया कम कर रहे हैं, पूरा 80 रुपये हो जाए मज़ा आ जाए। ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे, मैक्स 120-130। ब्रिज बन रहा है ना, ये जो शिकरपुर वाला वो जो नहीं है वो बंद कर दिया ना, ये जो यहाँ पे ब्रिज बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है। Lost.
but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. बाप रे, कितना कैमरा, इतना कैमरा लगा है, गाड़ी चलाएगा क्या मैं समझ में नहीं आ रहा। हाय ब्रो। अरे भाई तुम्हें कौन थी? अरे मजाक कर रहा था। चलो अंदर चलो। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं पसीने से पूरा लथपथ क्योंकि जितना मतलब गर्मी बाहर नहीं है, गाड़ी उससे भी ज़्यादा मुझे गर्मी दे रही है। मतलब अपने से जो अपना जो गर्मी है वो नीचे की तरफ से मुझे दे रही है। एंड डुकाटी का एक फ़ायदा है, विंटर के टाइम चलने में बहुत फ़ायदा है, लेकिन गर्मी के टाइम जितना गर्मी बाहर अगर 35 डिग्री होगा तब, और यहाँ से और 30-35 डिग्री एक्स्ट्रा वो आता है, इसीलिए से थोड़ा वो ह्यूमिडिटी भी है। ह्यूमिडिटी नहीं है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। जी ज़्यादा है यार। एक्चुअली देखिए बारिश हो गई ना, अपना तो कोस्टल एरिया है, ह्यूमिडिटी तो रही। कल रात में काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी ज़बरदस्त बारिश। और यहाँ पे आप हम अभी पहुँचे हैं यहाँ पे, ये जस्ट चंडीगढ़ से जस्ट पहले आता है, ये आपका ही मारवाड़ी ढाबा है ना, मैं चेंज कर दिए। चौधरी राजस्थानी होटल है, राजस्थानी होटल है ना आपका, मैं चेंज नहीं किए तो। और एक भैया बैठे थे वो चले गए क्या? लास्ट टाइम आए थे वो, और एक भैया बैठे थे। और ये पता नहीं ये पूरा ऐसे ख़त्म, मैं पानी एक बार भी इतना ख़त्म किया, अभी कोल्ड ड्रिंक यहाँ तक ख़त्म किया, ये आधा ये पी गया, अभी मैं नहीं पी गए ना। ओह 2015 में मैं पहली बार खती भाई तब प्रो में थे, आपका ट्रायम्फ था, ट्रायम्फ स्ट्रीट 6675 कान फाड़ रहा था वो जो आपके जो गाड़ियों का अवस्था, ट्रायम्फ स्ट्रीट था। मैं पहली बार ब्रो के साथ उस टाइम स्टार्टिंग में जॉइन किया, इंडिपेंडेंस के राइड में गए थे उस टाइम, ये भी था पीछे बैठा था। और मिले था 2007 हो गए भाई, सेवन लॉन्ग टाइम भाई। तुम यहीं पर रहते हो चंडीगढ़ में? मैं भुवनेश्वर में ही रहता हूँ, यहाँ पे मेरा रिलेटिव है, ये यहीं पर रहता है, वहाँ पे जॉब रहता है। आप भी हाई कर दो सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल मिस्टर स्पीड, बड़े भाई है ऑलरेडी सब्सक्राइब। अरे वाह, ये वाला जो प्लेस है शॉर्ट राइड पे बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि भुवनेश्वर से पूरी जगह के तो हम लोग थक चुके हैं, और रामेश्वर की तरफ तो जा नहीं सकते हो क्योंकि रामेश्वर की तरफ जाने से वो बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इधर में आप एक बार कटक क्रॉस कर लोगे तो बढ़िया है, लेकिन बीच में इतने सारे वो कैमरेज लग चुके हैं कि मैं बीच बीच में तो 75 के स्पीड में, मतलब खती भाई पीछे से आगे कैमरा है 20-30 से परसेंट। ओह माय गॉड, इतने कैमरा है, मतलब मुझे लग रहा है कि एवरी 10 किलोमीटर में कैमरा है। हाँ, एवरी 10 किलोमीटर्स। अभी लेकिन एक चीज़ अच्छी बात है कि मतलब कि शॉर्ट राइड के लिए जगह अच्छा है, यहाँ पर आ सकते हो, यहाँ पर AC लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, और गाड़ी भी आपका एकदम पेट्रोल पंप के पीछे की तरफ सेफ साइड है, पेट्रोल पंप के पीछे पार्क कर लो, और यहाँ पे थोड़ा आधा घंटा एक घंटा यहाँ पे जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, जो भी खाना है, भोजन पीना है, लस्सी बहुत अच्छा मिलता है, बिना ठीक है हमें जा सकते हो, मेरे हिसाब से तो शॉर्ट ट्रिप के लिए बहुत अच्छी है। कहते भाई लस्सी पे क्या देखिए कैसा लग रहा है? लस्सी ज़बरदस्त है भाई, ज़बरदस्त है ना, खाना यहाँ का बहुत अच्छा होता है, वेज है लेकिन बढ़िया रहता है, एक नंबर। तू लस्सी नहीं पिएगा? घर के पास है, क्यों पिएगा भाई, मिक्स हो जाएगा। लोग सब अभी निकल रहे हैं, एक्चुअली भुवनेश्वर के नहीं निकल रहे हैं, ये पास में एक अच्छा सा सीनिक प्लेस है, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा फोटो वोटो खींचेंगे, उससे पहले मेरा लो फ्यूल दिखा रहा है, पेट्रोल सोले कर लेते हैं। अवश्य पैसे दी सब। ओके चलो भाई, अंधेरा होने से पहले निकलते हैं। ओके okay.
बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ा रुके, सनसेट देखे, फोटो वोटो खींचे, अभी निकलेंगे भुवनेश्वर के लिए। उससे पहले और एक रील के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले आप सब लोगों से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये ऑडियो के वजह से, ऑडियो बहुत ही मतलब बेकार आया, मैं चेक कर रहा था बहुत बेकार आया है, आई एम रियली सॉरी गाइज। एंड नेक्स्ट ब्लॉग से मैं ये शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे पता है यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त लोग यहाँ पे कमेंट करने वाले होंगे कि आपका माइक इशू है, ये है, आई एम रियली सॉरी गाइज। एंड अगली बार से मैं अच्छे से चेक करके, नॉइज जैसे ज़्यादा ना आए, माइक है मेरे पास अच्छा वाला, लेकिन मैं उसको ठीक से उसको प्लग इन नहीं किया था, उस वजह से ऑडियो बहुत बेकार आया है। सो एनीवेज राइड बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। आज मैं और खत्ती भाई दोनों एक बाइक के बारे में काफ़ी देर हम लोग बात कर रहे थे, हिमालयन 450 बहुत जल्द वो लॉन्च करने वाली है, एंड मैं और खत्ती भाई डेफिनेटली उसको लेने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप में जो 10-12 दिन का ट्रिप होता है उसमें ये डुकाटी हो या कोई भी सुपर स्पोर्ट्स लेके जाना है, मतलब मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब वाइजेबल डिसीजन नहीं होता है। सो एक बाइक मुझे चाहिए लॉन्ग के लिए, जो 10-15 दिन वाला जो ट्रिप होता है उसके लिए चाहिए। तो आगे भी मैं बहुत प्लान किया हूँ राइड वगैरह के लिए, तो इसलिए मैं 450 डेफिनेटली लेने वाला हूँ, मैं और खतीब दोनों लेंगे, इवन सुमन भी बोला था, सुमन भी लेगा, वो है, उसके ऊपर एक अलग से ब्लॉग बनाएंगे। आते हैं पिछले कुछ ब्लॉग्स के ऊपर, आप लोग शायद जो रेगुलरली ब्लॉग्स फॉलो करते हो उनका भी, उन्होंने भी मुझे कमेंट किया है, इवन पर्सनली भी बहुत सारे दोस्तों मुझे मैसेज भी किए कि भैया आपके व्यूज़ क्यों नहीं जा रहे हैं, 80,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है, अगर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो उन 280,000 सब्सक्राइबर लोगों के पास नहीं जा रहे हैं। मतलब मैं लास्ट जो मैं बता रहा हूँ ऋषिकेश वाला ब्लॉग बता रहा हूँ, टोटल गया है 17,000 रीच, मतलब मुझे पता नहीं कुछ हुआ है मेरे चैनल को। सो एक कंपनी है क्विकरी बोल के, उनका यही होता है कि जितने सारे यूट्यूबर्स हैं उनके साथ वो टाइप करते हैं एंड उनका चैनल ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं, तो मुझे भी वैसे ही बोला गया कि आप हम हमको हेल्प करेंगे आपका चैनल ग्रो करने के लिए। हालांकि जब से मैं उनके साथ टाइप किया तो उसके बाद से चैनल ग्रो होना तो छोड़ दीजिए, उनका यह था कि 20% मेरा जो यूट्यूब का अर्निंग है उससे आप 20% वो लेंगे और पेमेंट डायरेक्ट उनको आता है, क्योंकि जो आपका अकाउंट जो गूगल एडसेंस में रहता है वो सारा वो उनका हो जाता है और उनसे आपको पैसा लेना पड़ता है, आपका जो 80% जो होता है उनसे आपको पैसा फिर इनवॉइस रेज करना पड़ता है, उनसे फिर लेना पड़ता है, और वो लोग पेमेंट वेमेंट के लिए भी मेरे को बहुत परेशान किए हैं। मतलब मैं वो एक हॉरेबल एक्सपीरियंस था। आप लोग कभी भी ऐसे कोई कंपनी के साथ टाइप मत कीजिएगा बिना सोचे समझे। तो मेरा चैनल अच्छा खासा जा रहा था, मैं उनको दिया, उसके बाद से मेरा व्यू बढ़ना तो छोड़ दिया, कभी एक मतलब हेल्प उनकी तरफ से मुझे नहीं मिला। 1,00,000 के ऊपर मैंने उनको पेमेंट किया होगा शायद, बहुत ज़्यादा पेमेंट 20% के हिसाब से होगा तो एक साल में पकड़ लीजिए कितना पैसा हमको दिया होगा। कुछ 1% का काम भी वो लोग नहीं किए, और जब से वो चैनल के साथ मेरा कट ऑफ हुआ सब कुछ, जब वो लोग चैनल के राइट्स वगैरह मुझे वापस दे दिए, उसके बाद से पता नहीं और ये सब चीज़ हो रहा है, मतलब मेरा व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, पता नहीं कुछ सेटिंग वेटिंग में क्या कर दिए हैं वो लोग। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा चैनल जैसे नया चैनल एक है, मतलब जैसे आप लोग अगर नया चैनल खोलोगे जैसा है वैसे ही मुझे लग रहा है। सो जो भी है उसका देखेंगे क्या हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत मतलब बड़ा ये चिंता की बात है। जो मेरे चाहने वाले हैं उनको मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर करो और सर्कुलेट ज़्यादा करो और रीच बढ़ेगा उससे, और जैसे पहले चैनल का जैसे था उस प्लेटफॉर्म में चला जाएगा। मुझे लगा कि शायद मैं कंटिन्यूटी नहीं था इसीलिए मेरा चैनल डेड हो गया या चैनल डाउन हो गया था। अभी मैं वीडियोज तो रेगुलर बेसिस में डाल भी रहा हूँ लेकिन वो रीच पहुँच नहीं रहा है, तो मुझे आप लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करो, मैं हर कमेंट को पढ़ता हूँ और जो कमेंट मुझे लगता है कि वैलिड है तो उसको डेफिनेटली रिप्लाई भी करता हूँ। सो इतना ही है और बहुत जल्दी वापस मिलेंगे, इस ब्लॉग पे यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, राइट से ग्रेजुएट, यस।
है।